सुनवाई तो 25 जो है 70 साल से हो रही है, 70 साल से जो है लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हमारे तो कई पीढ़ी हो गई, कई पीढ़ी से चल रहा मुकदमा। 2018 कहते हैं, 19 कहते हैं, फिर सरकार बदलेगी, फिर यही होगा, बस इसी में मुद्दा उठते चले जा रहा है। कुछ होगा तो है नहीं अभी। हमारे वालिद साहब के ज़माने से भी यही परंपरा रही है कि लोग मिलके रहें तो अच्छा है, क्योंकि वो जो है माहौल को ख़राब करने वाले आते हैं तो अपने निजी स्वार्थ के लिए आते हैं। जो लोग माहौल ख़राब करने की बात कहते हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कहते हैं। भाई मस्जिद जब तोड़ी गई तभी मुसलमान सड़कों पर नहीं आया था, उनके मकान लूटे गए तो यहाँ के लोग सड़कों पर नहीं आए थे। हम कितना सब्र करें, हम तो कानून व्यवस्था के ऊपर चलते हैं कि सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी, लेकिन जो है आज भी देखा कि सरकार हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। हलवाई अपने लड़के को मिठाई बनाना नहीं सिखाता। जो लोग हमारे वालिद साहब के ज़माने में लोग आते जाते रहे, उनका भी हम कोई चचा है, कोई बड़े बाप है, कोई भाई है, जितने लोग ये सब बैठे हुए हैं सब उन्हीं के दोस्तों में से हैं। लोग आए जाए करते, उन्हीं से हमने सीख लिया। भाई उन्हीं को मिलाए, भाई आप लोग हमारे वालिद साहब के ज़माने में थे, आप लोग हमारा साथ भी दीजिए। रामलला वहाँ विराजमान ही थे, पूजा पाठ चल ही रहा था, तो हमेशा अगर निर्मय अखाड़े का था तो निर्मय अखाड़े का रहेगा ही। हमारे पांच लोग सब तैयार हो गए, यहाँ रामलला वाला काम किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लोग आ रहे हैं, बातचीत चल रहा है, हमेशा वहाँ रामलला हैं, पूजा पाठ हो रहा था, मौजूदा समय भी रामलला हैं, भविष्य में भी रामलला ही रहेंगी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर चल रहा है वो प्रमुख पक्षकार वहाँ सब लोग पहुँच गए हैं। इतना आस्था, जो बात करते हैं आस्था की, हिंदू भी कहता है हमारी आस्था है, तो वहाँ हक जो है मुसलमानों की भी आस्था का सवाल है। अभी तक 25 साल सब लोग वेट कर रहे हैं, सरकार इतनी बदलती जा रही है, ये तो कार्यक्रम हमेशा चलता जा रहा है, लेकिन आगे कुछ हो तो उम्मीद जताई दे, लेकिन यहाँ भी कुछ है बन ही नहीं रहा है। जो भी काम करना हो इस तरीके से एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए तो अच्छा है, नहीं इससे बड़ा जो है इससे देश दुनिया का भी नुकसान जो है होता रहता है, क्योंकि लोग राजनीति करते हैं उसी में नुकसान होता है। नहीं करेंगे।